नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है तीसरा नंबर था और अब 8 बज के 15 मिनट होगी। बच्चे जा लिए स्कूल में और मैं भी नहा लिया और आंसू भी नहा ली और लग रही पूजा पाठ में। मैं भी पूजा कर लूँ और अभी कान्हा जी को नुहाने लग रही। नुहा लिया क्या कान्हा जी को? तैयार कर रही आज तो बगा थोड़ा अच्छे से कर दूं तैयार, जैसा कि आज इनका जन्मदिन है। हाँ, आज कान्हा जी का जन्मदिन है जी, आप भी विश करियो। और मैंने ना येलो ड्रेस पहना दी अभी तो, कान्हा जी अभी लट्टू शाम को गोपाल की देख। जय। ये हो गए तैयार बिल्कुल एकदम, मैंने येलो येलो कर दिए और बस अब पूजा में बिठाऊंगी ना और अब करेंगे पूजा। अब करेंगे जी पूजा, दीवा लगाऊंगा। तो मैंने कान्हा जी को स्नान करा के बैठा दिए हैं और अलग से स्टूल रखा हुआ है इनके लिए, तो यहाँ पे बस इसके पापा लगे हुए हैं पूजा करने में। सबसे पहले इन्होंने भी सभी भगवान जी को स्नान करा दिया गंगा जल से, उसके बाद फिर दिया जलाने लग रहे हैं। दिया बत्ती कर लिया इन्होंने तैयार, जब तक मैंने कान्हा जी को तैयार किए और इधर फिर मैं ले आई हूँ भोग, जो भी प्रसाद है वो सारा, जो पंचमेवा है और ये फल है ये सारे चढ़ा देंगे। तो अब सबसे पहले वो ही जैसे दिया बत्ती करेंगे और फिर पढ़ेंगे कथा। अपनी सहेलियों के साथ खेल में मग्न हो गई और भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई। उसके पिता को सुनती पर बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर कहने लगे कि हे दुष्पुत्री, आज तुम भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई हो, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह किसी कुश्ती वैदरिद्र मनुष्य से कर दूंगा। पिता की बातों से पुत्री को कष्ट पहुंचा और कहने लगी कि हे पिता, मैं आपकी पुत्री हूँ और आपके सत्रह से अधीन हूँ, इसलिए आप मेरा विवाह जिस किसी से कराना चाहे करा सकते हो, क्योंकि होना तो वही है जो मेरे भाग्य में लिखा है, मुझे तो इस पर पूर्ण विश्वास है। तो जी पूजा हो गई है हमारी, 9:15 बज गए हैं और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। और आज कन्हैया नहीं आए यहाँ पे, आप देख रहे भी होंगे, कन्हैया नहीं दिखाई दिया। बच्चे तो खैर स्कूल गए हुए और कन्हैया गया हुआ है रात से उधर। वो इसलिए गया क्योंकि रात इंदु की होगी थी तबीयत खराब, और फिर रात 2:30 से 2:30 फोन आया भैया का, तो उसके हुआ था पेट में दर्द ज्यादा, तो उसे फिर रात डॉक्टर के यहाँ ले जानी पड़ी। तो कन्हैया इसलिए रात को ही गया उधर क्योंकि वहाँ पे फिर बच्चों के पास वो रहा, फिर भैया उसे डॉक्टर के पास लेके गए। और अभी अभी मैं पूछा फोन करके, मैं कहा नाश्ता बना दूंगी, तो मैं कह रहे नहीं बना रहे हैं दोनों भाई मिल के, और देखूंगी मैं भी थोड़ा टाइम सा लगा के काम करके फिर जाऊंगी उधर देखने के लिए उसे। और इधर बस मेरी नाश्ते की तैयारी होगी, नाश्ते की सब्जी तो बनी हुई, सुबह बच्चों को दी थी रखी और आटा भी बना हुआ, बस रोटी सेकूंगी। और इधर मैंने कान्हा के लिए दूध कर दिया है गरम और अब उनको ठंडा करके दे देती हूँ, भोग लगा दूंगी कान्हा जी को और बस फिर मैं बनाऊंगी खाना। ना इसके पापा को नाश्ता दूंगी और अपना उनका ही बनाऊंगी। कन्हैया को पूछा, वो कह रहा कि मैं इधर ही खा लूंगा, वे बनाने लग रहे थे उधर ही और नाश्ता करके तब आएगा वो। तो बस मैं फटाफट बना देती हूँ क्योंकि इसके पापा का भी टाइम हो गया है काम का, तो वे करके अपना काम पर लगेंगे, लग तो गए वैसे, फिर बोल दूंगी उन्हें, उनका आ जाओ नाश्ता कर लो। नाश्ता तो हो गया जी मेरा, अभी रसोई ऐसे ही पड़ी है, रसोई बाद में करूंगी मैं साफ, पहले चलती हूँ ऊपर क्योंकि जो कल के कपड़े धुले हुए वे सूखे नहीं। हालांकि मौसम तो आज भी खराब हो रहा, सुबह एक बार बारिश आ भी चुकी है, देखती हूँ जो थोड़ी सी हवा निकल जा कुछ। मैं तो मैंने कल डाल दिए थे, मैं तो थोड़े से वो भी हो गए फरेरे से कहना, और कुछ रह रहे गिल्ले, दिखा दूँ आपको। ये वाले तो मैंने फलाए भी थे, थोड़े से सूख सी रहे और ये वाले बिल्कुल गिल्ले ही रखे, धोने आज भी थे
लेकिन मौसम का कोई भरोसा नहीं है। देखो कैसा हो रहा, ठंडी ठंडी फुहार सी आ रही है, बारिश आई थी सुबह भी थोड़ी देर, और उधर आज बादल भी नहीं चमक रहे, देखो ना वो पहाड़ भी बादल हो रहा। तो फैला दूँ, हवा सी निकल जाएगी, बाकी बाद में देखूंगी जब बारिश आई तो फिर उतार लूँगी, हवा तो कम से कम निकल ही जाएगी। देखिए जी कपड़े फैल चुके हैं सारे, उधर भी इधर भी, और इधर रीलिंग पर भी डाल दिए मैंने कुछ, और इधर भी सारे को कपड़े कपड़े हो रहे, क्योंकि कपड़े हो रहे थे ज़्यादा। तो आज तो मैं धोऊंगी नहीं, क्योंकि यही सूख जाएंगे वही ठीक है, और मौसम का भी कोई भरोसा नहीं इस वजह से। और मशीन फैला दिए, जो ऐसा ही रहा मौसम फिर तो सूख जाएंगे दोपहर तक अच्छे से, लेकिन पता कुछ नहीं। तो बस चलूंगी नीचे, रसोई का काम पड़ा मेरा, अब करूंगी मैं रसोई साफ, हो गई बाकी क्लीनिंग तो हो गई थी पूरी, बस रसोई रसोई रह रही है वो कर दूँ साफ। फ्रेंड्स अब दोपहर का टाइम हो गया, 1:30 बज गया है, और कृष्णा रूही खेलने में लग रहे हैं, ये तो आ गए थे सुबह ही इसके डैडी जब आए थे, और आज जैसे मैंने आपको बताया था कि केशव का बर्थडे है, तो यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ केक बनाने की, तो देखती हूँ बना गया नहीं। तो तैयारी मैंने देखे क्या क्या लिया, मैं दिखा दूँ आपको। तो यहाँ देखिए मैंने ये लिया है, क्या ये वो सोडा, ये ये बेकिंग सोडा, ये घी है देसी, और ये है दही, और ये है बेकिंग पाउडर, ये मैदा, और ये दूध, और एक चीज़ ली है चीनी, ये बुरा पिसा हुआ नहीं था तो ये चीनी मैंने पीस ली। जब मैं इसमें डालूंगी मैं आपको इसका मेजरमेंट बता दूंगी सारा, कितना कितना क्या लिया मैंने। तो ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली, इधर रख लिया कढ़ाई भी, और इधर ये अभी बैठ गई, अभी वो उतर गया अभी बैठ गई, और कढ़ाई में बनाऊंगी, और बनाऊंगी इसमें क्या मैं दूंगा भी नहीं पता कहाँ घेर दिया उन्होंने मेरा। तो देखती हूँ जी, तो बस बनाना शुरू करती हूँ। और ये देखिए मैंने जो भी सामग्री ली है, अब मैं इनका मेजरमेंट आपको बताती हूँ कि कैसे ली है, कितना कितना। देखो मैं पहले ही बता रही कि मेरा मुझसे इतना आता नहीं, मैंने तो जैसे एक बार कई साल पहले बनाया था तो उसी हिसाब से मैं बना रही, 3-4 साल पहले मैंने बनाया था। तो यहाँ मैंने आधी कटोरी ली है दही, और आधी कटोरी ली है देसी घी, आप चाहे तो इसकी जगह रिफाइंड भी ले सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, जितनी हमारी दही है इतना ही हमारा घी है सेमी, दोनों कोई भी कटोरी बाउल कुछ भी ले लो उसी से हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये सारी कटोरी आप देख रहे होंगे एक ही साइज़ की है, तो इन्हीं से ही मैंने मेजरमेंट कर लिया है। तो अब मैंने ले लिया ये छलनी, इसमें अब मैं डालूंगी मैदा, और मैदा मुझे लेना है 1.5 कटोरी, जितनी हमारी दही है उसका 3 गुना हमें मैदा लेना, 1 कटोरी भर के ले ली मैंने और आधी ले ली फिर, तो 3 गुना मैंने इसमें मैदा डाल लिया है, और इसको इसमें छलनी में ही डाल लूँगी। साथ ही साथ मैंने इसमें डाल लिया बेकिंग पाउडर भी 1 चम्मच, और जो बेकिंग सोडा वो भी इसी में डाल लिया मैदे के अंदर ही, ये है 1/2 चम्मच। तो इनको इसमें ही छान लूँगी जिससे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और कृष्णा देखे परेशान हो रहा, उसे तो लग रहा कि मम्मी जल्दी से बना दो केक और जल्दी से मुझे मिल जाए, बल्कि वो कह रहा कि मम्मी आप क्यों बना रहे, एक बाज़ार से ले आएंगे। मैं कहा देखती हूँ भाई, इस बार अगर बना के एक बार ट्राई करूँगी, अगर बन गया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम मैं मिठाई वगैरह भी कुछ बना नहीं पाई, थोड़ा सा टाइम भी ऐसा हो रहा, और इंदु की भी तबीयत ख़राब हो रही, इंदु भी आ गई थी दोपहर के टाइम यहीं पर ही, उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो रही, क्योंकि उसके पेट में हो रहा है इन्फेक्शन, अल्सर हो रहे और उनमें दर्द हो रहा, खाया पिया भी नहीं जा रहा, जैसा हल्का फुल्का सा कुछ खाती है, खाती भी नहीं, अगर पानी भी पीती है तब भी उसके दर्द हो जाता है, तो दिक्कत सी हो रही। बस मन तो फिर जब कोई घर में बीमार हो जाता है तो परेशान सा हो ही जाता है, तो वो फिर मैंने बोल दिया था उसे दोपहर के टाइम, फिर वो आ गई थी यहीं पर। और कृष्णा रूही तो सुबह ही आ गए थे, ये स्कूल तो गए नहीं थे, पीयू फिर बाद में इंदु के साथ आई थी। तो सारी चीज़ें देखे मैंने ले ली है, उसके बाद मैंने इसमें चीनी जो पीसी थी वो भी सेम 1.5 कटोरी ले ली जितना मैदा था, और अब थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, खूब अच्छे से चला के मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हमारा बन के तैयार हो जाए, जो इसकी कंसिस्टेंसी है ऐसी होनी चाहिए जैसा लिक्विड सी हो जाए। यहाँ पर जब मैं बना रही थी तो ये सॉल्ट मेरा कट गया,
तो ये फिर मैंने एक बर्तन ले लिया, इसमें नीचे फॉइल पेपर डाल लिया क्योंकि बटर पेपर मेरे पास नहीं था, और ये थोड़ा बड़ा लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा बैटर ज़्यादा लग रहा था। तो फिर ये मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई में ये आवे नहीं था जिसमें मैंने लिया है डो, तो फिर भिगोना रखा और भिगोने में डाल लिया है नमक। नमक मेरा अच्छी तरीके से गर्म हो रहा क्योंकि कढ़ाई में ही रखा था ना, और उसके ऊपर फिर रख लिया प्लेट। और सबसे बड़ी दिक्कत मेरी यही है कि मेरे पास केक बनाने के लिए कोई भी बर्तन अच्छा सा नहीं आया जैसा कि बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ भिगोना मैंने रख दिया और अब इसको ढक के रख दूंगी बिल्कुल गैस कम करके। तो यहाँ पे रखे हुए इसे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं जी, और मैं खोल के देख लेती हूँ कि कैसे है। वाह, फूल तो गया है अच्छे से, बाकी देखो ये देखिए तो अच्छे से फूल गया। और मैंने ठीक करा कि ये थोड़ा बड़ा बर्तन रख दिया इसमें क्योंकि थोड़ा मुझे मटेरियल इसमें ज़्यादा लग रहा था, वरना जो पहले रख रही थी मुझे वो छोटा पड़ता। तो फूल तो रहा है अच्छे से और धीरे धीरे और भी ये सीख जाएगा। तो देखते हैं आज का हमारा जो है ट्राई मैंने करा केक बनाने का कैसा बनेगा। और बस रख दूंगी इसे ढक के कम आँच की हुई, बिल्कुल फ्लेम हमारी गैस की बिल्कुल कम है, देखिए बिल्कुल कम ही है। और इसको लगभग 10 मिनट बाद फिर देखूंगी। वैसे तो 40 मिनट का टाइम बताते हैं केक का, लेकिन अभी मैं इसे 10-10 मिनट बाद चेक करूंगी। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं दोबारा फिर, और इसे लगभग 35 मिनट हो चुके हैं टोटल रखे हुए, तो मैं चेक करके देख लेती हूँ। और ये तो साइड से मतलब जल गया, शायद तेज सा हो गया क्योंकि ये मेरे बर्तन की है थोड़ी सी कमी मुझे लग रहा, क्योंकि बर्तन मेरा ये थोड़ा पतला है। एक बार इसे चेक करके भी देख लेती हूँ मैं। तो यहाँ मैं देख ही रही थी इसको, ये साइड में से जलता ही जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ, जैसा ये फूल सी गया था स्टार्टिंग में तो मुझे उम्मीद थी कि ये बन जाएगा, लेकिन बाद में जैसा जैसा ये मतलब बीच में से तो ऐसा हो गया कच्चा सा रहा और साइड में से ये जलता चला गया। यहाँ मुझे जैसे भी मतलब बैटर का तो मैं कह नहीं सकती कैसा था या नहीं था परफेक्ट मेरा, लेकिन यहाँ मुझे सबसे बड़ी कमी अपनी लगी है बर्तन की। ये जो भिगोना था ये भी पतला ऐसा ही था, और जो मैंने उसमें अंदर रखा वो भी ठीक सा नहीं था। तो मुझे यही लग रहा कि जो मेरे बर्तन है मेरे पास वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे, इसी वजह से ये केक हमारा ख़राब हो गया। वरना मैंने पहली बार जब बनाया था तो कुकर में बनाया था, बहुत अच्छा बना था, एकदम ना जला था ना कच्चा रहा था, बिल्कुल ऐसे ही मेजरमेंट करके बनाया था। तो यहाँ मैं वही देख रही बार बार चेक करके, और जैसा मैं देख रही तो मेरा मन परेशान हो रहा, मैं कैसा क्या करूं, बना भी रही और दुखी सा इसलिए हो रहा और ये ख़राब हो रहा, तो बस मेहनत मेरी आज बेकार होगी। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसे चेक करती रही, रखती गई ढक के, मैं चल 10 मिनट और रख लूँ, 10 मिनट और रखी से कम से कम 1 घंटा ही लग गया इतने में। तो यहाँ खैर मैंने ठंडा कर लिया या उतार लिया, अब क्या कर सकूँ जी। तो जी ये तो मुझे लग रहा कि जल ही गया ये तो सारा गैस, अब मैंने बंद कर दी, सब टाइम भी काफ़ी हो गया रखे हुए। और जैसा मैं ये कर रही थी इसके अंदर चक्कू लगा के देख रही थी तो साइड में तो ठीक सा भी लग रहा है, बीच में तो बिल्कुल ही हो रहा और जल गया साइडों में से ज्यादा ही। तो ये मेरा आज का जो मिशन है वो फेल हो गया, मेरी मैंने पता नहीं किस वजह से क्या कमी लगी, बस पता नहीं इन चीजों का चलता, मैंने बनाया भी नहीं कभी, पहली बार बना रही थी, मैं कहा चल बना लूं, लेकिन ये खराब ही हो गया। ये तो फिर बाजार से ही मंगाना पड़ेगा, मैंने सोचा चलो आज मैं अपने हाथ से बना दूंगी अपने खाना के लिए। तो यो इतनी मेहनत भी करी है, सामान भी लगाया, लेकिन फिर भी बस बेकार ही हो गया। थोड़ी देर ठंडा सा हो जाएगा फिर निकाल कर देखूंगी क्या है हाल। तो ये है तो कच्चा अंदर से, तो ये देख कच्चा, मुझे सबसे बड़ी कमी तो इसमें ये लग रही है जैसा ये बर्तन मेरा बर्तन की वजह से, क्योंकि जो केक टीन होते हैं वे अलग ही होते हैं, शायद उनका भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ता ही होगा। और ये बारीक है वैसा साइड में से, तो शायद जल गया ये इस वजह से। तो बाकी पता नहीं कुछ बनाने का भी हो सके, वरना फूल तो ये अच्छे गया था, मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, एक बार को तो मैं खुश हो गई थी देख के, लेकिन अभी इसकी हालत तो मुझे खराब सी ही लग रही, खराब ही लग रही, खराब सी क्या। तो इसे अभी थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ कर देखूंगी निकाल के अगर कुछ लगता है तो, वरना तो बस ये फिर
तो काम का तो है ही नहीं, वेस्ट ही हो गया। तो अब ये देखिए मैंने निकाल लिया, थोड़ी देर रखा रहा है सही और जल गया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से जल गया है। और अब मैं इसे निकाल लूँगी थाली में, एक बार कोशिश कर रही कि देखती हूँ अंदर से कैसा निकलेगा, वो भी देख लेते हैं एक बार, उसका रिव्यू भी ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने डाल लिया और ये भिगोना भी देखे जल गया बाहर से भी, और ये देखो क्या हालत होगी। तो सारा आज का जो मेरी मेहनत पानी में जाली सारी की सारी, सामान तो वेस्ट हुआ ही हुआ लेकिन मेहनत भी, और मन हो गया बहुत दुखी। और जब कुछ सामान ख़राब हो जाता है ना बनाते हैं हम इतनी मेहनत से और वो होता नहीं, तो फिर तो खैर मतलब पूछो ही ना, इतनी परेशानी होती है, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैंने ये रख दिया और कृष्णा कह रहा कि मम्मी ये तो चॉकलेट वाला केक बन गया, बनाया था सिंपल बन गया चॉकलेट का, यूँ कह रहा। तो फिर बस जी मैंने ये रख दिया था साइड में। अब बस आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।